हमारे बीच में इग्नू से प्रोफेसर शत्रुघ्न जी हमारे बीच में हैं और बाबा साहब को बड़े पैमाने पर पढ़ा और बाबा साहब को पढ़ा भी रहे हैं। और आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं कि सर आज आपका यहाँ आने का क्या तात्पर्य, आप यहाँ क्यों आए हैं? आपको तो एक यूनिवर्सिटी के अंदर रहना चाहिए था और वहाँ बच्चों को पढ़ाना चाहिए था और आज आप अपना वहाँ से समय निकाल कर यहाँ आए, क्या कारण आपका यहाँ आने का? असल ये है, ये प्रश्न बहुजन समाज के लिए बहुत ही अजीब सा लगता है जब मुझे कोई ये प्रश्न पूछता है। आज का दिन बाबा साहब का वो दिन जिस दिन बाबा साहब हमारे बीच नहीं रहे। ऐसे तो बौद्ध धर्म में हम ये नहीं मानते हैं कि हमारे बीच कोई नहीं रहता है, वो परिनिर्वाण प्राप्त करता है। तो ये प्रश्न मेरे लिए बड़ा अजीब सा लगता है कि हमारे समाज के लोग ये पूछे कि आज क्यों समय निकाल कर आए। समय निकाल कर आना नहीं, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा नियम होना चाहिए कि हम आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के दिन अब समर्पित रूप से आएं और याद करें, क्योंकि बाबा साहब ने जो हमें जगाया, बाबा साहब ने बहुजन समाज को जो जगाया, इसके लिए ज़रूरी है कि हम इस दिन को याद रखें। और यही नहीं, उनके द्वारा जो उन्होंने हमें सिखाया है उसके पथ पर चलकर हम अपनी मुक्ति की ओर अग्रसर हों, क्योंकि आज के तिथि में मुझे ऐसा लगता है कि पुनः ऐसा लगता है कि बहुजन को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। और अगर बहुजन इस रूप में नहीं जाएंगे, बाबा साहब को नहीं याद करेंगे, निश्चित रूप से वो गुलामी की ओर जा रहे होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज इस देश का एक एक बहुजन, एक एक बच्चा, स्त्री पुरुष सभी इस देश में ही नहीं पूरे विश्व में इस रूप में आना चाहिए कि आज के दिन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और हम मुक्ति की ओर अग्रसर होना चाहिए। बाबा साहब की क्या प्रेरणा थी जो कि हमें एक मूल रूप से उसको सभी को ग्रहण करना चाहिए? दरअसल ऐसा है कि जो इस देश की जो आतंकवादी व्यवस्था, मैं कहूँगा जाति व्यवस्था, उसको बाबा से हमने बहुजन समाज को बताया कि यह जाति व्यवस्था बिल्कुल गलत है, मनुष्य के साथ मनुष्य की भेदभाव बिल्कुल गलत है और इसे हमें दूर करने की ज़रूरत है। और यही मूल रूप से बाबा साहब ने हमें बताया। और यही नहीं, उन्होंने ये बताया कि ये जो जाति व्यवस्था वाले लोग हैं ये इस देश के नहीं, मूल निवासी हम इस देश के हैं, ये मिट्टी हमारी, ये वातावरण हमारा, ये पृथ्वी हमारी। और ये जो विदेशी जिन्होंने ये देश में मनुष्य मनुष्य में भेद बताया है, ये बाहर के लोग हैं। और इसी रूप से जो हमारे देश के बहुजन हैं, उस देश के, इस देश के बहुजन को ये बताया कि हम ही इस देश के मूल निवासी हैं, इसलिए हमें इस व्यवस्था को दूर करने की ज़रूरत है, जाति व्यवस्था को दूर करने की ज़रूरत है। और यही सबसे बड़ी शिक्षा होगी कि हम इस रूप में हम पहचाने अपने को और जाने अपने को, क्योंकि हमारा समाज मुझे लगता है जैसा कि आज भी गुलामी की ज़िंदगी जी रहा है। क्योंकि जिस देश में अपनी पहचान नहीं हो, जिस देश में हम खुलकर बोल नहीं सकते, जिस देश में अपने को ये नहीं कह सकते कि हम ये हैं, वो निश्चित रूप से हम गुलाम हैं, बहुजन गुलाम है। तो बाबा साहब ने हमें यही सिखाया कि हमें इस देश की गुलामी को दूर करना है और मूल रूप से जिस रूप से हमें समाज में बांटा गया है उसको दूर करना है। बाबा साहब का जो मिशन था और बाबा साहब के जो संविधान के तहत आप जैसे करोड़ों लाखों प्रोफेसर नौकरी पे गए, लेकिन उनके अंदर ऐसी भावना नहीं है, आपके अंदर एक दर्द है और दर्द नज़र आ रहा है कि बाबा साहब को आपने पढ़ा और बाबा साहब को पढ़ा रहे हैं। तो जो पढ़े लिखे लोग जो बाबा साहब को इस तरीके से नहीं माने, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं उनसे यही अपील करना चाहूँगा कि बाबा साहब ने ज़िंदगी भर अंतिम सांस तक बहुजन उत्थान के लिए, बहुजन की मुक्ति के लिए काम किया और उन्होंने जो पीड़ा सही अपने समाज को देखकर, वो पीड़ा अपने समाज के लोगों को भी ये महसूस करना चाहिए, क्योंकि जो व्यवस्था है उसमें आज भी हमारे समाज के लोग, जिन्होंने बाबा साहब के संविधान के द्वारा मुक्ति पाई है, जिन्हें आज सब कुछ प्राप्त हुआ है, वो बाबा साहब के कारण ही प्राप्त हुआ है। और यह अजीब सा लगता है कि हम बाबा साहब को भूल जाएं, बाबा साहब की बातों पर ना चलें। तो मुझे लगता है कि बाबा साहब के दिए हुए शिक्षा पर हमें आगे बढ़ना चाहिए और उनके राह पर चलकर हम अपनी मुक्ति को प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद सर।